उनकी क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाता है, उनसे मजदूरों वाला काम निकाला जाता है। जितनी सैलरी उसको दी जाती है उसके हिसाब से उसको ज़्यादा काम करवाते हैं। कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर जो है ऑलरेडी काफ़ी कम है और जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक बेसिक चीज़ है लेबर लॉज फॉलो नहीं होते, चाहे वो एम्प्लॉयज़ को पे करने का मसला हो, चाहे वो वर्क आवर्स का मसला हो या चाहे लीव्स की बात हो। तो इससे जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। एक तो काम करने के ऑप्शंस कम है, ऊपर से जो ऑप्शंस है उनमें भी उन्हें बराबर पे नहीं मिलता। हम इसी सिलसिले के रिलेटेड बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली होता क्या है कि जब प्राइवेट के लिए हम कोई जॉब के लिए जाते हैं, पहले ही वो लोग हमें बोलते हैं कि आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो। जब तक बंदा एक्सपीरियंस नहीं लेगा तो जॉब्स कैसे मिलेंगी, मतलब जहाँ भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है जॉब नहीं मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इन लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। उस हिसाब से क्या होता है कि एक बंदा है, हम हैं, हम अगर कहीं पे जाएंगे कोई प्राइवेट जॉब के लिए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो फ्रेशर्स को भी दी जाती है। प्राइवेट जॉब में अगर किसी इंसान को नीड भी होगी उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले एक्सपीरियंस ढूंढा जाता है। अब जबकि आपको एक्सपीरियंस के बेस्ड पे ही अपॉइंट करेंगे तो वो एक्सपीरियंस के लिए इंसान कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब का तो यहाँ पे अब ख़त्म ही हो गया है। प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं वहाँ पे सैलरी 10,000 दी जाती है। एक बंदा वही ऑटो चला के दिन में 10,000 कमा लेता है या उससे कम, या मतलब एक प्राइवेट जॉब को वहाँ वो लोग 10,000, 6,000, 7,000, जिससे इंसान का घर नहीं चल सकता है। यहाँ से क्वालिफ़िकेशन उनकी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उस चीज़ के लिए तो प्राइवेट जॉब बहुत कम ये देता है सैलरी। अस्सलाम वालेकुम मैम, जैसे कि आपने मुझे बताया कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर सैलरी 18 to 20,000, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। कोई इंटरव्यू देता है उसके हिसाब से यहाँ पे 8 to 10,000 सैलरी देते हैं, कि यहाँ पे कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे आपको हमको मिलेगा 18 to 20,000, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। मैम लीव्स यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर मिलता ही नहीं है, जैसे कि हमें कभी कभार जैसे कि हमको संडे भी जाना पड़ता है, लीव्स का भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, जैसे कि ईद है, ईद के दिन बस उस दिन मिलता है, और कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे संडे को मिलता है, लेकिन 80 to 20% यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं उन पर मिलता है, बाकी जो रेस्ट है उनमें नहीं मिलता है मैम। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो यहाँ पे बेरोज़गारी है, बहुत सारी बेरोज़गारी है, इसकी तरफ गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे यहाँ पे क्यों है, जब पढ़ते हैं तो फिर बच्चे, फिर इसके बाद ड्रग्स में अगर थोड़ा सा यहाँ पे ये सेक्टर बढ़ाया जाएगी तो जो बच्चे इन्वॉल्वमेंट है ड्रग्स में वो इसमें से हट जाएगी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगी, तो बस गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए मैम। जितनी सैलरी उसको दी जाती है उसके हिसाब से उसको ज़्यादा काम करवाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो टाइमिंग जो है वो सेट नहीं करते हैं कि इस जितना वो काम करता है उस लिहाज से उसको इतने सैलरी नहीं मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि जितना वो काम करेगा उसके हिसाब से उनको सैलरी भी मिलनी चाहिए। अगर वो 8 घंटे काम करते हैं उनको यही सेट करना है कि 8 घंटे अगर ये काम करते हैं उसी के हिसाब से उनको पैसे देने हैं, सैलरी देनी है। उन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीद भी जाहिर की है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर में वो ये एक्सप्लॉयटेशन ना करे। मैं मलिहा सूफी, कैमरा पर्सन मुबैर भट्ट के साथ फॉर राइजिंग कश्मीर।